मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा तथा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनाव परिणामों ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे को चरितार्थ किया है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता की मुहर है। मंगलवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह जीत बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ बूथ केवल के उन लाखों कार्यकर्ताओं ने संगठन ही सेवा के भाव को आत्मसात करते हुए काम किया। परिणाम स्वरूप भाजपा ने बिहार विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 7 सीटों के उपचुनाव और अन्य राज्यों के उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की। दोहराया गया 2017 का इतिहास। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 की विधानसभा चुनाव के परिणामों को एक बार फिर से दोहराया है। आज के उपचुनाव ने भविष्य के चुनाव परिणामों का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी उपचुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों की जीत का अंतर 17,000 से 32,000 तक है। यह बताता है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विश्वास बरकरार रखा है। यह दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की जनहितैषी नीतियों को जनता के बीच ले जाने वाले कार्यकर्ताओं ने कोरोना कालखंड के बीच अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस तरह काम किया है वह अभिनंदनीय है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पार्टी ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए जो कार्य किया, यह बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। इस बात को जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को अभिनंदन करता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन ने जो शानदार प्रदर्शन किया है इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी राष्ट्रीय टीम का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन मिलकर के एक टीम भाव के साथ जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है और कार्य कर रही है, कोरोना कालखंड में हम सब जानते हैं यह वर्तमान में पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही है। कोविड-19 के बावजूद प्रदेश की जनता को बचाने के लिए सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास हों या फिर संगठन ही सेवा है इस संकल्प के साथ
पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो शानदार प्रदर्शन किया है, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के माध्यम से एक बार फिर हम सबके सामने आया है। गरीब कल्याण का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और वैश्विक मंच पर भारत को प्रदान की जा रही प्रतिष्ठा के प्रति आम जन के विश्वास के रूप में ये परिणाम आज, चाहे वह बिहार विधानसभा का हो या देश के विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनाव का है, इन उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं ये आम जनमानस का, जनता की, जनता आम जनमानस का प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के प्रति, उनके कार्यक्रमों के प्रति एक जन विश्वास का प्रतीक भी बनकर के उभरा है। मैं एक बार फिर से इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से इस अवसर पर उन्हें और पूरी टीम को बधाई देता हूं, प्रदेश की अपने संगठन और सरकार से जुड़े हुए पूरी टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को दीपावली की हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।